नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका केबीसी के एपिसोड नंबर 3 में। आज की सीडियो में आप लोगों से कमाल के 10 प्रश्न पूछने वाला हूं, जिसमें से आप लोगों को हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोगों को 10 सेकंड के अंदर में हर एक प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करना है, और लास्ट में आप लोगों को मुझे ये बताना है कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो चलिए आज इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी कनाडा। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रूस। और गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो रूस है उसका पूरा क्षेत्रफल 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे अर्थ का 11.52% हिस्सा है। और इस लिस्ट में जो हमारा भारत है वो 7th नंबर पर आता है, और बाकी लिस्ट को आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट में है रूस, सेकेंड में कनाडा, थर्ड में अमेरिका, फोर्थ में चीन, फाइव में ब्राज़ील, सिक्स में ऑस्ट्रेलिया, सेवन में भारत, एट में अर्जेंटीना, 9 नंबर पर है कजाकिस्तान, एंड यहां पर 10th नंबर पर है अल्जीरिया, जिसका कुल क्षेत्रफल 23,81,741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे धरती का 1.6% हिस्सा है। बाकी डिटेल्स आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 2 ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए साइट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, जिसे सिट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तो प्रश्न 3 ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? आपके ऑप्शंस है ए जिराफ, बी चूहा, सी खरगोश, एंड ऑप्शन डी है प्लैटीपूस। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लैटीपूस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन सा जानवर है, तो मोबाइल महाशय से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑडियंस को इस एनिमल्स का फोटो दिखाया जाए। अभी आप लोग जिस एनिमल्स को देख रहे हो इसका नाम है प्लैटीपूस, जो कि अंडे और दूध दोनों देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, ISRO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी बेंगलोर, सी जापान, डी अमेरिका। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। तो प्रश्न 5 ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए केरल, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, एंड डी राजस्थान। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। तो इस प्रश्न के सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो प्रश्न 6 ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान।
अब गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान एंड भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और पूरे विश्व का सबसे छोटा राज्य है वेटिकन सिटी। इस तरह के प्रश्न को इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने में थोड़ा सा ही पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना ताकि आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग उस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सको। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। प्रश्न 7, रामायण के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाल्मीकि। और गाइस यहाँ पर आप लोगों के जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 8 ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? आपके ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी भारत एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। और उस सबसे बड़े स्कूल का नाम है सिटी मोंटेसरी और ये जो स्कूल है उसका इमेज को आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो और ये स्कूल यूपी के लखनऊ शहर में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 9 ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1947, बी 1952, सी 1957 एंड डी 1962। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1957। अब गाइस प्रश्न 10 से पहले ये रहा आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में नहीं बताने वाला, मतलब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसे कितने ऑडियंस है जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं और मेरे चैनल पर ऐसे कितने ऑडियंस है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो चलिए ये जो प्रश्न है वो ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। मानव शरीर के किस हिस्से पर पसीना नहीं आता? ऑप्शन ए कान, बी नाक, सी होंठ, डी हथेली। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और जो प्रश्न 10 है वो ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। किस देश में 40 मिनट की रात होती है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी कनाडा, सी नॉर्वे एंड ऑप्शन डी इटली। तो आप लोगों का टाइम होता है अब स्टार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2.5 महीनों के लिए नॉर्वे में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। यहाँ रात के ठीक 12:43 पर सूर्य डूब जाता है और इसके ठीक 40 मिनट बाद यानी कि रात के करीब 1:30 बजे यहाँ सूर्योदय हो जाता है। और इस अद्भुत घटना की वजह से पूरे दुनिया में नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। सो आई होप कि आज की जो वीडियो थी वो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई होगी और इस वीडियो का एपिसोड 1 और 2 आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लेना और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना ताकि आप लोगों को हमेशा इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके।